जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। इसकी कथा भीम से भी जुड़ी हुई है। माना जाता है कि महाभारत काल के समय एक बार भीम ने महर्षि वेदव्यास जी से पूछा कि बिना एकादशी व्रत रखे एकादशी व्रत का पुण्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। महर्षि वेदव्यास ने भीम का तब निर्जला एकादशी व्रत रखने की सलाह दी। व्यास जी ने इस व्रत की विधि भीम को बताई और कहा कि इस व्रत के दौरान अन्न और जल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। इसके साथ ही एकादशी व्रत का पारण द्वार सी की तिथि में नियम पूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से सभी एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है। व्यास जी के कहने पर भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत विधिपूर्ण किया और सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो गया। इस एकादशी को निर्जला एकादशी व भीमसेन एकादशी भी माना जाता है।